अच्छा अच्छा Thank you.
का पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉर्मूला सब एकदम इजी है, उसको याद कैसे रखने का आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब प्रॉपर्टीज देखे, अभी इनवर्स के देखते हैं। इनवर्स के जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा ना, अगर यहाँ पे तीन एंगल दिए, यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल अगर देते, साइन का जो रहेगा वही कोसाइन का अपोजिट होता है। अगर एंगल नेगेटिव रहेगा, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स नहीं है। अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, अगर एंगल नेगेटिव रहेगा तो आपका टीआर भी नेगेटिव हो जाएगा। याद देखिए कॉस क्या होता है, कॉस पॉजिटिव राइट, और ये टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन का जो रहेगा वही कोसेक को यूज होगा, कॉस का जो वही सेक का होगा। मतलब एंगल नेगेटिव रहेगा ना तो कॉस पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। साइन में और कोसेक में एंगल नेगेटिव रहेगा। क्वेश्चन एक पूछा आपको, ये दोनों नेगेटिव रहते हैं, ये पॉजिटिव क्यों रहता है? आप सोचो, कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करें, आप भी थोड़ा रिसर्च करो, फिर हम लोग देखते हैं। अभी इसके ऊपर वैसे प्रॉपर्टी इनवर्स का रहेगा। अभी यहाँ पे डोमेन और रेंज का कंसेप्ट दिया, डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। एग्जांपल जैसे आपको ऐसा दिया जाता था 10 स्टैंडर्ड में, fx is equal to 3x plus 2 देते थे, और यहाँ पे x के वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा देते थे। तो अगर मैंने यहाँ पे f की जगह पे 1 पुट अप किया तो 3 1 plus 2 आंसर कितना आया, 5। सो दिस इज कॉल्ड एज इनपुट, मतलब आपने ये पुट अप किया, और ये क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, राइट है। सेम लैंग्वेज में इसको डोमेन बोलते हैं और इसको रेंज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक लिमिटेशन रहता है कि आप क्या पुट अप कर सकते हो और क्या आंसर आ सकता है, सब कुछ इनपुट नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब आप वैल्यू ये पुट अप कर सकते हो, माइनस वन, ये रेंज अपना माइनस वन जीरो वन, इतने वैल्यूज आप पुट अप कर सकते हो, माइनस वन या माइनस वन से ज्यादा, वन या वन से कम, ये है ना, कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट ना, मतलब इसमें माइनस वन और वन इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड नहीं होता, इसको भी कंसिडर करने का, मतलब ये पूरा पार्ट रहेगा, माइनस वन से लेके वन तक भी रहेगा और मिडल का पूरा पार्ट भी रहेगा, इसमें क्लोज ब्रैकेट में इसको इंक्लूड करने का रहता है माइनस और वन को। रेंज क्या है, माइनस 90 to 90, लेकिन ये भी इंक्लूड है, क्लोज ओपन ब्रैकेट है, सॉरी क्लोज ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो आपको ये रेंज याद रखने का, याद रखो, क्लियर है। तो साइन का आपको ज्यादा करके रेंज याद रखना है, साइन का रेंज क्या रहेगा, साइन का रेंज माइनस 90 और 90, याद रखो। कॉस इनवर्स में भी यही पुट अप कर सकते हो, लेकिन आपका रेंज क्या रहेगा, 0 to π, 0 to π रहेगा, मतलब यहाँ पे ध्यान, माइनस 90 और 90 मतलब ये रहेगा, ध्यान ये आपका 0 है और ये क्या है, π/2। तो ये आप एंटी क्लॉक वाइज जाओगे तो 90 आएगा, क्लॉक वाइज जाएगा तो क्या आएगा, -π/2, समझ आ रहा है क्या। अभी आप एंटी क्लॉक वाइज जाओगे ना तो 0 90 180 270 360 रहेगा, अगर क्लॉक वाइज जाओगे तो क्या होगा, यहां से 0 -90 ऐसा आएगा, देखो ये ऐसा रहेगा, दो तरह का रहता है, 0 90 180 270, ये ऐसा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ऐसा रहेगा 0 -90 -180 -270, ऐसा समझ आ रहा है क्या आपको। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव फॉर्म होता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव, 3.1 में सटी में लिखे जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा दिया, साइन का डोमेन ये रहेगा, रेंज ये रहेगा, ये डोमेन रहेगा, रेंज चेंज हो जाएगा 0 to 180, मतलब यहां से इधर से लेके इधर तक का रहेगा, ये रेंज रहेगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टैन इनवर्स का, आर मतलब रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट अप कर चलेगा, सेम रहेगा
सिर्फ यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है क्लोज है, यहाँ पे ओपन, याद रखने के लिए एकदम इजी है, जो साइन करेगा वही टेंस करेगा, ये क्लोज ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स का याद रखने को इजी है, सी 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 में देखो कॉस का जो रहेगा कॉट इनवर्स का रहेगा, आप रियल नंबर पुट अप कर सकते, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, या तो क्लियर हुआ। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स का जो रहेगा वही टैन इनवर्स का रहेगा, इधर क्लोज रहेगा यहाँ पे ओपन रहेगा, कॉस का जो रहेगा वही कॉट का रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा यहाँ पे ओपन रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट कोसेक इनवर्स का क्या है, आर माइनस बोला है, माइनस वन टू वन बोला है, ये माइनस वन टू वन मतलब ये कौन सा ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, आर मतलब कोई भी रियल नंबर पुट अप करो एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, मतलब ये एग्जांपल है तो ये नंबर नाइन है समझो मेरा, ये माइनस वन और ये वन है, ये जीरो है, इधर क्या है माइनस टू माइनस थ्री, इधर क्या है टू थ्री फोर, तो उन्होंने क्या बोला आप पुटअप क्या कर सकते हो रियल नंबर कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, मतलब इतना पार्ट कौन सा ब्रैकेट है वो ओपन ना, तो इधर से लेके इधर तक का बता रहा, ये इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, इसको कंसिडर नहीं कर रहा, ये पार्ट है ना ये हम लोग पुटअप नहीं कर सकते, बस बाकी पूरा पार्ट क्या कर सकते पुटअप कर सकते इंक्लूड कर सकते, समझ आ रहा है क्या, कोई भी रियल नंबर पुटअप करो एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, इसमें क्या मिलेगा आपका रेंज क्या बोलेगा माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू एक्सेप्ट जीरो, मतलब आपको आंसर क्या मिल सकता है रेंज क्या आपका आ सकता है यहां से लेके यहां तक आएगा, लेकिन जीरो नहीं रहेगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक आएगा, समझ आ रहा है क्या, आपका आंसर क्या मिल सकता है रेंज क्या बोला है नाइनटी से लेके माइनस फाइव बाई टू, ऐसा एग्जाम्पल ये नाइनटी और ये क्या है माइनस नाइनटी, तो यहां से लेके यहां तक आंसर मिलेगा लेकिन जीरो नहीं मिलेगा, यहां से देखिए यहां तक आंसर क्लियर हो रहा है, तो माइनस मतलब क्या होता है एक्सेप्ट रहता है, माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू एक्सेप्ट जीरो, क्लियर, इधर भी सेक इनवर्स का क्या है सेम है, लेकिन यहां पे देखो सेक का कॉस का और कॉट का याद रखो जीरो टू पाई मिलेगा एक्सेप्ट व्हाट नाइनटी, मतलब आपको आंसर क्या मिल सकता है जीरो टू पाई उन्होंने बोला मिलेगा, लेकिन सिर्फ क्या मिल रहा है मिलेगा नाइन, क्लियर है क्या, तो ये आपको सिर्फ ये पार्ट याद रखना रेंज का, लेकिन एग्जाम में ज्यादा आते नहीं क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन थे इसलिए मैं दे दूंगा, जो क्वेश्चन आएगा तब मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आपको रेंज याद रहना चाहिए, रेंज रेंज क्या क्या है, साइन का रेंज क्या है माइनस नाइनटी टू नाइनटी, वही आपको सिर्फ इसका टाइम का याद रखने का, सेम रहेगा लेकिन ओपन रहेगा, कॉस का जो रहेगा वही कॉट का रहेगा, ये जीरो टू फाइव इधर ओपन रहेगा, कोसेक और सेक का आप एक बना लीजिए माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू एक्सेप्ट जीरो जीरो टू फाइव एक्सेप्ट व्हाट फाइव बाई टू, दादा क्लियर है ओके, अभी इसमें भी ये सेक इनवर्स का 90 क्यों नहीं लिया, सेक 90 का वैल्यू क्या होता है सोच के बोल, कॉस 90 कितना होता है कॉस 90 उसका उल्टा करो उसको उल्टा करो नॉट कॉसेक का भी वही है ये दिया देखो कॉसेक का भी वही दिया है जीरो का कॉसेक का कॉसेक 90 का वैल्यू कितना है क्या साइन का साइन साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है उसको उल्टा क्या होगा नॉट वही जीरो का आंसर नहीं समझ रहे हैं तो दो चीजें याद रखने का बस बाकी सब याद रहेंगे नेक्स्ट अभी याद रखें साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक कोसेक का उल्टा साइन सेम इधर भी ऐसे होगा ये साइन इनवर्स एक उसका उल्टा क्या होगा कोसेक इनवर्स कॉस का उल्टा सेक सेक का उल्टा कॉस वही होगा सेम टैन का उल्टा कॉट कॉट का उल्टा टैन ये तीनों फॉर्मूला का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपका यहां तक क्लियर हुआ आइडेंटिटीज पे हम लोग को पेयरिंग करते पहला आइडेंटिटीज क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन साइन इनवर्स साइन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन सेम इधर भी है ये दोनों को याद रखो पेयरिंग में याद रखेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय पाई दूसरा नंबर आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दो दो टीआर कौन है टैन और सेक
ये दोनों का इनवर्स का प्लस जो रहेगा, सॉरी इधर आ जाएगा सर, tan इनवर्स x + cot इनवर्स इसके आएगा पाई बाय 2, cos इनवर्स x + sec इनवर्स इसके आएगा पाई बाय 2। ये थोड़ा अलग, एक मिनट, sec का tan और cot का ये सर इधर आ जाएगा, tan का cot का cos बाद में चेंज करा। सो tan और cot का दिया, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x पाई बाय 2 रहेगा, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x क्या रहेगा पाई बाय 2 रहेगा, cosec इनवर्स x + sec इनवर्स x क्या रहेगा पाई बाय 2 रहेगा। ये मिडल में हम लोग यूज करेंगे कभी। ओके, नेक्स्ट आपको ज्यादा करके कौन से फॉर्मूला याद रखने का, तो मैं रेड कलर से टिक कर देता ये सब पर, इसका हम लोग को यूज होने वाला है इसका। अगर एंगल नेगेटिव रहेगा तो पूरा टीआरपी नेगेटिव हो जाएगा। कॉस में देखो स्टार करता हूं, ये वाला और ये वाला का टेंशन वाला था, बाकी तो टेंशन नहीं है, इसमें नेगेटिव का कुछ नहीं, इधर अलग तीन स्टार देखो, सी एस सी मतलब सी सी एस याद रखो, सी सी एस वाले एक दो तीन। यहाँ पे एंगल अगर नेगेटिव रहेगा कॉस इनवर्स एक्स, अगर आपको पॉजिटिव करना है तो कर सकते हैं, क्या आएगा 180 माइनस क्या आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या आएगा 180 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स, sec इनवर्स माइनस x का क्या होगा पाई माइनस sec इनवर्स x, और cot का भी क्या होगा पाई माइनस cot इनवर्स x, मतलब तीन लोग हैं CCS याद रखो, s मतलब sec आ जाएगा, ये अपना क्या आएगा cos, और ये cot, ये तीन लोग याद रखो, जिसका एंगल अगर नेगेटिव रहेगा तो पाई माइनस करके उसको पॉजिटिव करने का, जैसे ये cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x, लेकिन दूसरे में टेंशन नहीं होता, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो ये ऑटोमेटिक से पॉजिटिव हो जाता है, एंगल नेगेटिव नहीं रहेगा कभी, तो एंगल नेगेटिव नहीं रहेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कॉस सेक और कॉट, जिसमें पाई माइनस करके पॉजिटिव करना है, बाकी सब में टीआर को नेगेटिव आ जाएगा और आपका एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट इसमें टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको मालूम है, इधर स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan into tan b, same way आपको यूज करने का, ये देखो, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे tan a plus b, यहाँ पे अगर tan इनवर्स a ऐसा plus tan इनवर्स b, समझ आ रहा है क्या, इतना याद रखो। So tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला, tan inverse x plus y upon 1 minus x, वही सेम कांसेप्ट है, सिर्फ यहां पे x plus y आएगा, इधर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse क्या आएगा x minus y upon 1 plus x y। अब ये फॉर्मूला आप देख लो 5 मिनट में, और जिसका बाकी लिखना हो देख लो, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूरा एक्सरसाइज है ना, थोड़ा अलग मेथड से भी पढ़ाऊंगा, नोट्स का मेथड नहीं रहेगा, ध्यान रखो। मोबाइल सब ये कर दो, सब लोग साइलेंट में कर दो, कुछ आपको इम्पोर्टेंट कॉल्स आएंगे लेकिन फिर भी उठा दो।
देखिए नेक्स्ट, अब ये साइन इनवर्स यहाँ पे अगर क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये साइन इनवर्स क्या होगा वन, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये साइन इनवर्स वन अपॉन टू है समझो इक्वल टू एक्स है, नेक्स्ट स्टेप ऐसा रहेगा ये ऐसा रहेगा वन अपॉन टू अपनी जगह पे राइट है ना, फिर ये इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो शॉर्टकट में एक स्टेप कम कर देने का, एक स्टेप क्या करने का कम कर देने का, और क्या करने का डायरेक्ट देखो ये साइन इनवर्स यहाँ पे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे रहेगा वन अपॉन टू और साइन इधर मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स, याद है क्लियर है, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, याद है क्लियर है, ओके साइन एक्स, साइन के टेबल में वन अपॉन टू वैल्यू किसका है साइन थर्टी, साइन पाई बाय, याद है क्लियर है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया क्लियर है, अभी मैं क्या बोल रहा सुनो, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, ये साइन इनवर्स का रेंज लिखने का ये है ना राइट है, क्या रेंज है माइनस पाई बाय टू पाई बाय, ये रेंज है अपना कॉमा करके यहाँ पे लिखता हूं मैं, सुनो अभी उन्होंने क्या बोला रेंज ना होना चाहिए माइनस पाई बाय टू होना चाहिए, हमारा आंसर कितना आ रहा है पाई बाय सिक्स, मतलब कितना है मतलब हमारा रेंज ऐसा, देखो ध्यान ये पाई बाय टू है और ये क्या है माइनस, ये पूरा हमारा रेंज आना चाहिए, अभी ठंडी कहां पे आएगा और इधर आ सकता है ना, तो इसके अंदर ही आ रहा है ना, तो लिखते हम लोग क्या कॉमा करके लिखेंगे, ये जो पाई बाय सिक्स है ये पाई बाय सिक्स जो है माइनस नाइनटी या उससे ज्यादा है, माइनस नाइनटी या उससे ज्यादा है, लेकिन नाइनटी या नाइनटी से कम, इक्वल टू क्यों दिया कोई पता है इक्वल टू क्यों दिया, क्लोज ब्रैकेट क्या है उन्होंने क्या बोला है आपका माइनस नाइनटी और नाइनटी के बीच में आंसर आना चाहिए, हमारा थर्टी उसके अंदर ही आ रहा है ना, माइनस नाइनटी और नाइनटी के बीच में बराबर थर्टी आ रहा है, सो देयरफोर प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय सिक्स, ये आंसर जो है चलेगा क्योंकि ये रेंज के अंदर बैठे, हमारा रेंज क्या है माइनस नाइनटी टू नाइनटी उसके अंदर थर्टी आ रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू, अगर नहीं आता तो नहीं, इजी लगा कुछ हार्ड, रेंज माइनस नाइनटी टू नाइनटी उसके बीच में आंसर आना चाहिए, जो भी रेंज नहीं तो उसके अंदर आंसर आना चाहिए, जैसे आपको
हाँ सर कब पेपर हुआ? आज कैसे हुआ? कब हुआ? कल के परसों चेक किया कि नहीं? मैंने चेक कर लिया। किसको नींद नहीं आ रहेगा? बराबर बोला, सुना महंगा है। थर्ड ध्यान दो सब, ये थोड़ा अलग है ध्यान। इधर लेट tan इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब ये tan इनवर्स यहाँ पे जाते क्या हो जाएगा? tan x। तो tan x इज क्या आएगा? माइनस वन। लास्ट में क्या बोला हूं मैंने? tan इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस वन होगा पक्का। टैन यहाँ पे जाएगा तो माइनस वन होगा पक्का। आप बोल दो कौन वाला करोड़पति शुरू होने वाला है? नया अंदर पद देख रहा था मैं, सब सब बड़े बड़े गेस्ट आए थे। क्या होगा? क्लियर है? अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टैन और यहाँ पे माइनस टैन है, कैंसिल नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ पे इसको हम लोग रिवर्स यूज करेंगे। अभी रिवर्स ये देखो, ये माइनस टैन इनवर्स एक्स क्या है? तो ऐसे भी देख सकते, एग्जांपल बता रहे हैं। ध्यान दो, सब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। टैन माइनस थीटा इक्वल टू ऐसा आता है, राइट है ना? ये अभी मैंने बताया था, सिंपल की बात बता, इनवर्स छोड़ दो। टैन का अगर एंगल नेगेटिव रहेगा तो ऐसे लिखते, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते ना। सेम देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे टैन है और यहाँ पे थीटा है। तो रिवर्स क्या आएगा? टैन आएगा और माइनस थीटा, तो थीटा कौन इधर? याद है, क्लियर हुआ? समझ आ रहा है रिवर्स कैसे यूज किया? पहले हम तो इसकी जगह पे ये लिखते थे, अभी मैंने क्या लिखा? माइनस टैन थीटा था, मुझे माइनस निकालना है, ये एंगल को देते टैन, टैन आपको पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो वही मैंने यूज किया। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या रहेगा? माइनस। तक क्लियर हुआ? अभी क्या लिखूंगा देखो, सुनो। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स इज, रेंज क्या दिया? टैन इनवर्स सर ओपन ब्रैकेट दिया और क्या दिया? माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। एंड मैं क्या लिख रहा हूं अभी देखो, ये जो आंसर है माइनस 45, क्या ये मतलब? एग्जांपल बता, अगर मैं देखा जाऊंगा तो यहाँ पे टैन का रेंज क्या? टैन का रेंज ये आपका पाई बाय टू है और ये क्या है? तो उन्होंने क्या होगा ओपन ब्रैकेट, मतलब इसको और इसको कंसिडर मत करो, लेकिन ये पूरा पार्ट आ जाएगा, राइट है ना? Yes. अब ये माइनस 45 किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आ सकता है ना, क्योंकि जीरो है और ये माइनस 90, तो माइनस 45 इधर आ सकता है ना। Yes. उसके रेंज में आ रहा है ना। Yes. तो लिखते हो कैसे लिखूंगा? द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स ओपन ब्रैकेट माइनस 90 टू 90 एंड ये जो आंसर है कौन? माइनस पाई बाय 4, ये है माइनस पाई बाय टू से ज्यादा है,
लेकिन पाई बाय टू से क्या है कम है, इक्वल टू देने का नहीं है क्योंकि ये कौन सा ब्रैकेट है ओपन है, अगर क्लोज होता तो मैं यहाँ पे इक्वल टू देता। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या आएगा इज एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। कुछ हार्ड लगा सिंपल है तो आप टेंशन है थोड़ी देर में उधर तक जाए उधर खत्म होगा फिर चालू कर। क्लियर हो गया? इससे कोई प्रॉब्लम है? आगे नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन है ना आपको वर्किंग करना बाद में वैसे सेम तीन क्वेश्चन मैंने करके दिए वैसे सेम एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का करके दिए एकदम सिंपल नहीं आता मुझे पूछ लेना Done? तो अभी हम लोग ना वर्किंग जो कर रहे हैं ना वो इनवर्स में कर रहे हैं इससे जितना हो सके उतना ये प्रॉपर्टीज मोस्टली आपको यूज करने का है ओके नाउ क्वेश्चन टू देखिए क्वेश्चन टू क्या बोला है क्वेश्चन टू इवैल्यूएट बोला है इवैल्यूएट सबसे पहले दिया है यहाँ पे देखो tan इनवर्स वन cos इनवर्स वन अपॉन टू प्लस sin इनवर्स वन अपॉन टू। पहले और एक मैं बेसिक बता रहा हूं वो ध्यान दो सब लोग एक मिनट ध्यान अभी आपको डायरेक्ट ऐसे वर्किंग करने का सुनो tan इनवर्स वन दिया है जैसे वन अपॉन टू मैंने ऐसे लिखा टू इंटू टू रेस टू माइनस वन इसका आंसर कितना आएगा क्योंकि इसका वन रहता है तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये भी वन आएगा ये दूसरा फॉर्म है टू इंटू वन अपॉन टू है ये ऊपर जाता टू रेस टू माइनस वन होगा राइट है वैसे टैन इनवर्स और टैन भी क्या होगा टू और टू रेस टू माइनस वन अगर वन हो सकता तो tan इनवर्स और tan भी क्या होगा वन होगा।
वही सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अभी टैन इनवर्स वन है ना, सो टैन इनवर्स में लिखूंगा और टैन के टेबल में वन वैल्यू किसका आएगा, टैन 45 मतलब पाई 4 राइट है ना, तो ये क्या होगा आंसर। तो भी डायरेक्ट ऐसे याद रखने का सुनो, कभी भी टैन इनवर्स अगर वैल्यू कोई आता है, टैन इनवर्स के साइड में वन वैल्यू आता है, तो टैन के टेबल में वन वैल्यू किसका आता है, डायरेक्ट पाई 4 लिखने का इसका आंसर। ये समझ आ रहा है क्या, समझो ऐसा आ गया साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 बराबर है, साइन के टेबल में रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू किसका आता है 60, तो इसका आंसर डायरेक्ट ये लिखने का डायरेक्ट, क्योंकि ये साइन इनवर्स है और इधर साइन 60 आएगा, तो साइन इनवर्स साइन क्या होगा कैंसिल, क्या होगा कैंसिल। ये शॉर्टकट में आपको बताना, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे वर्किंग कर रहा था, देखो सुनो इधर tan inverse tan के डबल में वन वैल्यू किसका आता है 5/4 मतलब 45 क्या था, क्लियर हुआ डायरेक्ट लिख दिया। प्लस cos inverse cos के डबल में 1/2 वैल्यू किसका आता है cos 60 मतलब 5/5 क्या था, क्लियर हुआ। sin inverse 1/2 sin के डबल में 1/2 वैल्यू sin 30 मतलब 5/5 क्या था, क्लियर हुआ। और पहले इसको सॉल्व करते, 3 × 2 π 3π प्लस 4π अपॉन प्लस 5/6 ये कितना हो जाएगा 5/6 क्या था, क्लियर है। इसका डिनोमिनेटर कितना है 12, इसका कितना है 6, ट्राई करेंगे 12 करने के लिए, 7π/12 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो राइट है ना, कितना आया 9π/12 3 से करते डिवाइड 3 × 3 = 3 कुछ ऐड डालो 9 नोट्स में थोड़ा मेथड अलग दिया है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। अभी क्वेश्चन 2 से ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट।
cos 60 मतलब 5/3 ज्यादा क्लियर है, एकदम सिंपल है। देखो प्लस 2 एज इट इज रहेगा इनटू sin के टेबल में 1/2 वैल्यू sin 30 मतलब 5/6 ये 5/3 एज इट इज रहेगा प्लस 2 1 2 5/3 रहेगा राइट है, डिनोमिनेटर सेम है 5 + 5 किसी को लग रहा है 8 से बोल दो भैया ठीक बोल कोई बोल कोई तो कुछ बोल रहा क्या बोल सकते हैं इधर उधर चले जा रहे हैं तो तीन चीजों के ऊपर मैंने ध्यान देने को बोला सीसीएस का कॉस कॉर और सेक का उसमें पाई माइनस याद रखने का सीसीएस क्या सीसीएस अभी याद रखो सीसीएस इधर जबीर साहब क्या बोलो मैं सीसीएस बोल सीसीएस क्या होता है पता सी का मतलब वो था कॉस होता है और सी का मतलब वो नहीं कॉस के कॉट है कॉट और ऐसे मतलब साइन है बराबर ओके टैन इनवर्स का प्रॉब्लम नहीं है सीसीएस में कौन आता है कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स इसमें याद रखने का तो यहाँ पे आ रहा है देखो नेगेटिव यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है टैन इनवर्स रूट थ्री है ना टैन के टेबल में रूट थ्री वैल्यू किसका है तेरा ध्यान इतना जबरदस्त मैं तो प्रभावित हो चुका बता ना अरे क्या हो गया क्या क्या हो गया ये क्या करो आगे ये
ब्रैकेट ओपन कर दिया समझो मैंने, अभी माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, क्या है वो क्या है मतलब नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, अभी कुछ मत बोलो, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस होगा, प्लस होगा, ये पाए पाए का क्या करो, पाए इधर देखो, इधर क्या करो, रुकना प्लस इनवर्स पाई बाय थ्री माइनस पाई, आगे बोलो प्लस सेक टेबल में टू वैल्यू किसका आता है तेरे को आंसर कोई नहीं पता किसका आ रहा है किसका आता है cos 60 का 1 अपॉन 2 आता है तो 660 का 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 हो जाएगा तो इधर ही वैल्यू क्या आएगा पाई बाय 3 समझ आ रहा है अबे तू बैठ तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा ओके इतना पाई बाय 3 और पाई बाय 3 क्या होगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है पाई प्लस पाई 2 पाई होगा माइनस पाई यहां तक क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 2 पाई माइनस 3 पाई क्या होगा माइनस माइनस पाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को रहा 2 पाई 3 पाई अपॉन 3 आंसर क्या का माइनस 5 क्लियर हो गया कुछ हार्ड लगा ये आपको याद रखने का गेम है
अगर एंगल नेगेटिव रहेगा तो देखो मैं ऐसे कर रहा, देखो कॉसेक इनवर्स माइनस सिक्स है, क्योंकि अगर माइनस कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा रूट टू, राइट है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फिलहाल बाकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। माइनस कॉसेक की टेबल में रूट टू वैल्यू किसका रहता है, फाइव बाय फोर रहता है, फाइव बाय फोर रहेगा। कॉट के टेबल में रूट थ्री वैल्यू किसका रहता है, क्योंकि tan 60 का वैल्यू कितना, सॉरी tan 60 का वैल्यू 30 का रहेगा, क्योंकि tan 30 आपको 1/√3 रहता है, tan 30 का वैल्यू, राइट है। cot 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इधर √3 30 मतलब पाई बाय 6, राइट। cosec के टेबल में √2 वैल्यू cosec 45 का रहता है, cot के टेबल में √3 वैल्यू cot 30 का रहता है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस पाई इनटू 6 माइनस सिक्स पाई फोर इंटू पाई फोर पाई अपॉन 20 राइट। इतना आंसर कितना आएगा, माइनस सिक्स पाई प्लस फोर माइनस टू पाई अपॉन 24, टू से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, माइनस फाइव बाय 12। पूछ अरे पूछ सच बोल रहा हूँ, पूछेगी तो समझ में आएगा। एक इसको पूछना तो पूछ ले, इसमें हर इसमें एक स्टेप कम कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो स्टेप समझा दिया था। अभी पूछ लो सब लोग एग्जाम के बोलो मत, जो ट्रेनर बम से कुछ भी समझ में नहीं आया ये वाक्य मत बोलो, बेटा भारी भरकम शब्द ये बोल रहा है। हाँ बोलिए, ये बोला तो चलेगा। क्वेश्चन टू कंप्लीट, कुछ हार्ड लग रहा है? क्वेश्चन थ्री पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट दे देता हूँ आपको। इसमें एक क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, आपके टेक्स्टबुक या नोट्स रहेगा ना, क्वेश्चन नंबर थ्री का जो थर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 और यहां पे दिया -3/√2। ग्रुप द फॉलोइंग मतलब यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस का, ओके। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे अगर साइन के टेबल में 1/√2 वैल्यू है, अगर साइन इनवर्स ऐसा आ गया, ध्यान दो साइन इनवर्स आपको ऐसा दे दिया 21/21 तो साइन के टेबल में आपको 1/√2 वैल्यू तो मिलता है, लेकिन साइन के टेबल में 20/21 वैल्यू है क्या, नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थर्ड नंबर क्वेश्चन रहेगा, जहां पे उस टेबल में साइन के टेबल में अगर वैल्यू नहीं रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करें, वो थर्ड नंबर का है। देखो थर्ड नंबर में क्या है, साइन इनवर्स 3/5 दिया है, तो 3/5 तो वैल्यू रहता नहीं साइन इनवर्स में, तो उसके लिए अलग मेथड है। आपको पता है कि टेबल में आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं, तो पहले सबसे पहले मैं एलएचएस लिख रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो एलएचएस क्या दिया, देखो साइन इनवर्स 1/√2 -3 साइन इनवर्स
रूट थ्री अपॉन अभी देखो साइन इनवर्स दिया साइन के टेबल में वन अपॉन रूट टू वैल्यू किसका आता है 45 मतलब माइनस थ्री इंटू साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू साइन के टेबल में रूट थ्री अपॉन टू वैल्यू किसका आता है साइन 60 मतलब थ्री क्या होगा पाई बाय फोर माइनस पाई इधर कुछ नहीं तो वन कंसीडर करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे वन इंटू पाई पाई माइनस फोर इंटू पाई फोर पाई अपॉन फोर पाई माइनस फोर पाई ये हो गया आपका आंसर इजी हो गया इतना सो क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट एकदम इजी है ओके इधर डन क्वेश्चन थ्री का सेकंड देखो कंप्लीट राइटिंग पर की बोल सबका लिख किसका बातें तो बोल दो इसमें इनवर्स का फॉर्मूला है नेगेटिव का सीसीएस याद रखना बाकी के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है राहुल हो गए क्या एनएचएस लिखते हो सबसे पहले एनएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए देखो एलएचएस देखो एलएचएस लिख रहा साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू मतलब एंगल नेगेटिव है साइन इनवर्स का प्लस कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू है राइट है यहाँ पे एंगल नेगेटिव है साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला यूज होगा देखो ये वाला राइट है ना तो एंगल नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस इनवर्स के लिए याद है आपको पाई माइनस करना पड़ेगा राइट इधर क्या आएगा साइन इनवर्स माइनस इससे क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स क्या आएगा वन अपॉन इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये नेगेटिव अगर निकालना है तो बाहर नेगेटिव देने का ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस कॉस में पाई लिखने का राइट है ना पाई माइनस
cos इनवर्स क्या हो जाएगा सर नेगेटिव है ना तो क्या होगा cos इनवर्स क्या हो जाएगा √3 अपॉन क्लियर है इतना तो cos इनवर्स अगर आपका एंगल नेगेटिव रहेगा तो पाई माइनस करके इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना माइनस साइन के टेबल पे 1/2 वैल्यू किसका है साइन 30 30 मतलब प्लस पाई माइनस कॉस के टेबल पे √3 वैल्यू किसका है कॉस 30 मतलब क्या आएगा क्या तक क्लियर है अभी ध्यान दियो कैंसिल नहीं होगा ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना क्या तक क्लियर माइनस पाई माइनस पाई माइनस 2 pi plus 5 अदर क्लियर 2 1 2 3 जा माइनस पाई अपॉन 3 प्लस 5 अदर क्लियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं यहां पे माइनस पाई प्लस क्या आएगा 3 pi अपॉन 3 आंसर क्या आएगा 2 pi ये हो गया आपका अदर क्लियर हुआ अभी आरएचएस देखते हैं आरएचएस क्या देखते हैं आरएचएस आरएचएस क्या दिया है कॉस इनवर्स क्या दिया है -1/2 अगर कॉस इनवर्स का एंगल नेगेटिव रहेगा तो क्या करने का पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या आएगा 1/2 तो क्लियर पाई माइनस अरे बोल कॉस के टेबल में 1/2 वैल्यू किसका है कॉस के टेबल में 1/2 वैल्यू निकाल दो बोल ना तो कॉस के टेबल में 1/2 वैल्यू किसका है कॉस 60 का और √3 वैल्यू किसका है 1/2 वैल्यू कॉस के टेबल में किसका 30 वन वैल्यू किसका आता है कॉस्ट के टेबल कॉस्ट के टेबल वन वैल्यू और टू किसका वैल्यू आता है कॉस्ट के टेबल आता है किसका आता है कॉस्ट इनवर्स 1/2 कॉस्ट किसका 60 का 60 मतलब 1/5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इनटू पाई माइनस पाई आगे दोनों का से सो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा एलएचएस का एकदम सिंपल है कोई हार्ड नहीं है
ये हो गया क्या? इसका नाम क्या है? तो 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 डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों से पढ़ाई का दोनों पढ़ाई करना चाहिए क्या करना पड़ेगा आप लोग का जो है ना मेरे को करना पड़ेगा मेरा हो गया देखिए राइटिंग वर्क इज ओवर सब लोग स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिएगा मिलेगा टीचर लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं टैंक वर्स मुझे फिफ्थ दे रहा हूं फिर वो मेन क्वेश्चन ना कर लेते टीचर टैंक वर्स 1 अपॉन 2 क्लियरली दिख रहा मुझे यहां पे टैंक इनवर्स ये पूरा पार्ट जो इसको आप एक्सटेंड करो और इसको वाई राइट है क्या सो फॉर्मूला देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई राइट है तो फॉर्मूला ये बन रहा है देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स क्लियरली मुझे पता चला है फॉर्म यूज करके तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टैन इनवर्स ब्रैकेट में क्या बोला है ब्रैकेट में क्या बोला है एक्स प्लस वाई एक्स का होल को पे कर रहा है 1 अपॉन 2 सो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इनटू वाई चलेगा याद तक मैं सबको समझा आगे tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे थोड़ा शॉर्टकट यूज कर 3 1 जा 2 1 जा 2 3 प्लस 2 5 अपॉन 2 6 राइट है ये 1 माइनस 1 इनटू 1 1 होगा 2 3 जा 6 6 1 जा 6 6 minus 1 5 5 6 right है ना 1 into 1 आएगा 2 3 जा 6 cross multiply किया 6 1 जा 6 6 minus 1 5 upon 6 ये पूरा क्या होगा depending part क्या बचेगा 1 tan inverse 1 tan के table में 1 value किसका है 5 5 4 so 5 4 आ गया this is a what answer Thank you.